मुसीबत और रफी को जमाने पाल ली। क्या हुआ भाई? मैम साहब को उनके घर से लेकर आओ, छोड़ने जाओ। गाड़ी तैयार है? हाँ भाई। वो देसी मैम को उनके घर छोड़कर आओ। मगर साहब ने तो कहा था कि मैम साहब अब इसी कोठी में रहेगी। तो यहाँ कैसे रहेगी, अपना घर अपनी बच्ची छोड़कर? रात 11 बजे के करीब साहब उसके घर जाकर बक्से शक्से गाड़ी में रख के ले आए हैं। वो जो पीछे वाला मेहमान खाना है ना, उसके अंदर उसका सारा सामान रखवा दिया है। नहीं भाई। हाँ रोजी, मुझे रात को किसी मददगार की जरूरत नहीं होती। बेगम साहब, साहब ने तो बोला था कि मुझे रात को भी इधर ड्यूटी करना है कोठी में। तुम ना नर्स हो ना डॉक्टर, फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? और सुनो, मेरी इजाजत के बगैर मेरी अलमारी को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। कल मेरे सोने की जंजीर भी गुम हो चुकी है। I'm sorry बेगम साहब, मैंने तो आपके कपड़े ठीक करने के लिए जी अलमारी खोली थी। मैंने देखी नहीं। तुम जा सकती हो। लेकिन जी साहब ने चले जाओ। जाओ। जी पॉली पॉली जी, ये तो फूल है। ये जी मेरी लबिया फूल, ये भी फूल, ये फूल है रबिया और वो फूल है ना और डोरा। और ये कौन है रबिया भाई? ये भी फूल जैसा भाई। भाई कहाँ गया रबिया? भाई आपके पापा ने भाई को रबिया से मुझसे बहुत दूर भेज दिया। भाई को बुलाओ रबिया, भाई को बुला लो। भाई आ जाओ भाई। भाई क्या हुआ मैम साहब? ये सास बहु समझती है मेरे को प्रोफेसर के घर से निकाल देंगे। इतना आसान नहीं है रोजी को इधर से निकालना। अल्लाह रखी। सुन, साहब पूछे तो बता देना मेरे को बड़ी बेगम साहबा ने जबरदस्ती घर भेजा है। मेरे को बेगम साहबा बुलाती है। बुलाने दो। सुन, साहब नहीं भी पूछे ना तो भी बता देना कि बड़ी बेगम साहबा ने मेरे को जबरदस्ती अपने घर भेजा है। ये ले तू, पैसे रख ले। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरा खराबा नहीं करो, मैं बहुत गरीब भी हूँ, पेट पालने के वास्ते नौकरी करती हूँ। तू देखती जा, इस महीने साहब से कह के पूरे 100 रुपए तेरी तनख्वाह के बढ़ाऊंगी। बोलना जरूर मेरे को बड़ी बेगम साहबा ने जबरदस्ती अपने घर भेजा है, समझी है? चल अब तू जा। अल्लाह रखी। हाँ नीरी, अल्लाह रखी जी। बेगम साहब कहाँ चली जाती हो? लड़की कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ? वो जी मैं बाची खाने में थी जी। ले जो रबिया को बाग में, जरा फूलों की सैर कराओ। और देखो बाहर गेट से बिल्कुल नहीं लेके जाना, लॉन में ही रखना। जी आज आज प्लीज कम डाउन। देखो ट्राई टू, तुमसे ज्यादा अपने साथ रखने के लिए मैं बेचैन हूं। मेरी बीवी मेरा मसला नहीं है, प्लीज। लेकिन जब तक हम
अम्मा जिंदा हैं, लगता है प्रॉब्लम होगा। आई एम श्योर कि अम्मा ने तुमसे घर से जाने के लिए कहा। फैसला तो सितारा का होगा, बोला तुम्हारी मदर ने। तुम सितारा को तलाक क्यों नहीं दे देते? आई मीन फारूक तो वैसे ही हॉस्टल चला गया है, रबिया को मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे भाई ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। रोज बोलता है, रोज बोलता है कि तुमने प्रोफेसर से शादी कर ली है तो अपनी बेटी को ले जाओ मेरे यहाँ से, मैं उसकी केयर नहीं कर सकता एनी मोर। तो ठीक है, लिली का क्या प्रॉब्लम है, उसको किसी गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल कर देते हैं। मैं आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं कहाँ जाऊं,